आज हम बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो कि फिशिंग जो अटैक है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो फिशिंग अटैक है वो क्या होते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिद्धांत। में मछली पकड़ने के लिए जो हम चारा डालते हैं, उसी प्रकार से जो हैकर्स हैं वो इंटरनेट पे हमारे डेटा को चुराने के लिए भी एक चारा डालता है। वो चारे कैसे डालते हैं, अब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए गाइस, जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फिशिंग अटैक होते हैं, जो एक लिंक होता है, फिशिंग अटैक मतलब एक लिंक। देखिए, आप सभी तो व्हाट्सएप, ईमेल या मैसेंजर का इस्तेमाल करते होंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि जो फिशिंग अटैकर जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कुछ कोडिंग करके निर्माण करते हैं जिससे एक लिंक बनता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गया, इसी के टाइप करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ईमेल हो गया, या आपका गूगल हो गया, या आपका मैसेंजर हो गया, सेम इसी कैटेगरी का होता है। तो वो जो हैकर्स होता है वो क्या करता है, वो लिंक शेयर कर देता है आपके मोबाइल पे, और कुछ उसमें ऐसा चीज लिख देता, कुछ ऐसे जो बोलेगा कि आपको इसमें 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आप ये करते तो आपको ये फंसने वाले, मतलब एक लॉटरी लगने वाले। तो ऐसे में वो बोलेगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करके जाके आप अपना डेटा सबमिट कीजिए, तो आपका जो है कि लॉटरी वाला 2 लाख हो 5 लाख हो कुछ भी हो वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे बोलता है कि फेसबुक पे आपको लॉग इन करना होगा, या फिर वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाता है तो बोलता है ईमेल लॉग इन करना होगा, या फिर कुछ भी आ सकता है उसमें बोलता है आपको लॉग इन करने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यही है यहाँ पे कि वो जो लॉग इन करने वाले ऑप्शन आते हैं, जैसे फेसबुक आया, ईमेल का ऑप्शन आया, तो ये वहाँ पे प्रॉपर वो फेसबुक नहीं होता है, यहाँ पे उसे क्लोन बनाया जाता है। आप देखिएगा कि जब भी हम फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे तो वहाँ पे https://www.facebook.com होगा, लेकिन जो हैकर्स क्या करते हैं, जहाँ पे फेसबुक रहता है वहाँ पे जैसे FACE मिडवर ओके, तो हो सकता है वहाँ पे FACE ओके दे दे, मतलब एक लेटर का यहाँ पे डिफरेंट कर देता है। इससे लगता है कि आप देखने में लगता है सेम ही है, हमें यहाँ पे बोल रहा है फेसबुक से लॉग इन करने के लिए, और कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेबल हो जाते हैं। जैसे ही आप उस पर अपना जो फेसबुक आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वह हैकर्स के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही हैकर्स के पास पहुंचा तो उसके बाद उसका कारनामा शुरू हो जाता है, और आप बैठे बैठे अपना जो बिलिंग होता है, जो आपके अकाउंट में जो भी पेमेंट होते हैं, जो आपके पॉकेट में पेमेंट होते हैं, जो आपके घर में पेमेंट होते हैं, वो सभी आपसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज कल के जितने भी ज्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐसे डेटा को छुपा के रखते हैं जिन्हें लगता है कि लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सा भी डेटा, चाहे कितना भी पर्सनल डेटा आप अपने मोबाइल के अंदर छिपा के रखते हैं, और अगर हैकर्स को आपके आईडी और पासवर्ड के बारे में पता चल जाता है तो वो आपके सभी डेटा को हैक कर सकता है। उसके बाद उसका काम है ब्लैकमेल करना, और आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे और आप यहाँ पे पैसे। तो गाइस, ये था फिशिंग अटैक का काम। अब हम ये समझते हैं कि इससे हमें बचना कैसे है। तो सबसे पहले गाइस, आप ये समझे कि हमेशा इंटरनेट पे जब भी आप किसी चीज को या कहीं पे भी ब्राउज करें तो सबसे पहले इस चीज को देखिए कि वो चीज सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। वहां पे आपको एक, जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां पे देखिएगा एक ताला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे टाइप का होगा। तो अगर ये आपका वहां पे है तो समझिए एक प्रकार से लॉक है, और इसका होता है HTTPS होगा लिखा हुआ, तो ये एक लॉक है। ये सभी वेबसाइट सिक्योर रहते हैं, और जनरली मैं बता दूं कि सभी वेबसाइट सिक्योर नहीं होते हैं, कुछ वेबसाइट सिक्योर होते हैं लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं। तो आपको ये स्टेप खुद आपको करना है कि आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं वो ट्रस्टेबल है या नहीं। जैसे गाइस, हम लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, तो हम लोग को ये ट्रस्ट है कि फेसबुक जो है हमारे डेटा का मिसयूज नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इनपे ट्रस्ट है, इसलिए। तो लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट है जिनमें हमें ट्रस्ट होता ही नहीं, और उन पे जाके हम अपना डिटेल जो डेटा है वो एंटर कर देते हैं, तो यहीं से आपका जो पूरा दिन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप उन्हीं वेबसाइट पे विजिट करें जिन्हें आप जानते हैं। अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा भी इस वेबसाइट पे अगर आपको शक होता है कि ये वेबसाइट कहीं मेरा डेटा हैक ना कर ले, तो ऐसे में आप इस वेबसाइट को ना चलाएं तो बेटर होगा। और हाँ, किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले आप सोचें क्या इस लिंक का सही में इस्तेमाल होगा, तभी आप उसका इस्तेमाल करें।
करें, उस लिंक पे क्लिक करें। अगर आपके इंग्लिश फूल होंगे तो आप काम कीजिए, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, उसे बायकॉट कीजिए। तो ऐसे में आपका डेटा बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आपने देखा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऐसे अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, देखिए गाइस मोबाइल हर कोई यूज करता है, लेकिन सेफ एंड सिक्योर रहना किसी को पता नहीं। बहुत सारे कम ही लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता है कि हमें अपने मोबाइल को सेफ एंड सिक्योर किस प्रकार रखना है, हैकर से कैसे बचा के रखना है। तो इससे में आप भी बढ़ सकते हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और हाँ अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं। थोड़ा उन्हें भी इस वीडियो दिखाइए, उन्हें भी लगेगा नहीं एक्चुअल में हैकिंग होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।